हमने फोर्ड इंडिया को ट्वीट करा था कि 2022 वाली एंडेवर को इंडिया में लॉन्च करो, क्योंकि फॉर्च्यूनर ने अपने सेगमेंट का 80% मार्केट शेयर घेर लिया है। जो एल्टुरस है, जो ग्लॉस्टर है, कुछ भी नहीं कर पा रही। और फोर्ड इंडिया का जो रिप्लाई है कुछ ऐसा था, तो इसलिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कार्वर्सल प्रोस को, फोर्ड एंडेवर को इंडिया में लाने के लिए हमारी पहली तरकीब ना कामयाब रही, पर अब हमारे पास दूसरी तरकीब है। ऐसी तरकीब जिससे जो फोर्ड एंडेवर है वो इंडिया में आके रहेगी, और वो तरकीब है फोर्ड एंडेवर को इंडिया में इम्पोर्ट करने की। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और महिंद्रा ने हमें टारगेट दिया है उसके लॉन्च से पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो टारगेट है कंप्लीट करके दिखा दो, और फिर शायद हम इसके लॉन्च पे जा पाए। तो हमारी सरकार ने थोड़े बहुत मैंडेट्स लगा रखे, थोड़े बहुत रूल्स लगा रखे। अगर हमें कोई भी गाड़ी इंडिया में इंपोर्ट करनी है, और जो रूल्स है आपको दिखाता हूं, और उसमें 2-3 एडिशन मैंने भी करे हैं। तो देखो भाई, ये सारे रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल है हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो भाई हमें देखना पड़ेगा हमारे पास कितने पैसे है। हमारा पर्स इसमें देखते हैं कितने पैसे हमारे पास। ये देखो भाई, 1 50 का नोट है, ये सोने का सिक्का, एक जिसमें 5 लिखा हुआ है और 50 का नोट। इससे मेरे ख्याल से हम गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं फोर्ड एंडेवर को इंडिया में। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो तो सॉल्व हो गई है, तो इसलिए हम इसके आगे लगा देते हैं प्लस। अब दूसरी कंडीशन है द व्हीकल मस्ट हैव बीन बिल्ड एंड डेवलप्ड ओवरसीज। मतलब जो गाड़ी है बाहर ही बननी चाहिए और वहीं पे डेवलप होनी चाहिए, जो कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो होती है, क्योंकि जो फोर्ड एंडेवर है, जो नई वाली एवरेस्ट है, बाहर ही मैन्युफैक्चर होती है, बाहर ही डेवलप हुई है। तो इसके लिए भाई इसके आगे हम लगा देते हैं, तो ये लो भाई इसके लिए हम लगा देते हैं एक प्लस। मतलब जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो भी फॉलो हो चुकी है। और अगर आपको पता तो ये जो चैनल है कार्वर्सल, इसकी शुरुआत मैंने इंपोर्ट प्रोसीजर से की थी। तो ये भाई मेरी पहली वीडियो थी और ये इंट्रो था भाई हमारा। तो अब हमारी तीसरी कंडीशन है द व्हीकल कैन ओनली बी इंपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री वेयर इट वाज मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड। मतलब जहां पे वो गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है उसी वाली कंट्री से उस गाड़ी को हम इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो भूटान में अगर वो असेंबल हो रही है तो भूटान से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो नई वाली एवरेस्ट है वो लॉन्च हुई है साउथ अफ्रीका में, यूएई में और ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए साउथ अफ्रीका में कोई फैक्ट्री है फोर्ड की, फोर्ड साउथ अफ्रीका फैक्ट्री। तो भाई ये आर्टिकल मुझे मिला है, फोर्ड इन्वेस्ट $1 मिलियन टू मॉडर्नाइज एक्सपैंड साउथ अफ्रीकन मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑल न्यू रेंजर। अरे वाह यार, हम साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करेंगे गाड़ी को और वहां पे जो फोर्ड की फैक्ट्री है वो भी है। तो जो तीसरी कंडीशन है हमारी, जो ये वाली कंडीशन है भाई, ये भी हमारी कंप्लाई होती है। 3 कंडीशन हमने कंप्लाई कर ली है, देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो अब दोस्तों जो हमारी अगली कंडीशन है हमारी सरकार की इंडिया में कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए, इफ यू आर इंपोर्टिंग अ कार देन इट शुड बी अ राइट हैंड ड्राइव। मतलब जो गाड़ी है उसमें राइट हैंड स्टीयरिंग होना चाहिए और लेफ्ट साइड ड्राइवर को चलानी चाहिए वो गाड़ी, अगर आपको समझ आ रहा है जो इंडिया का सिस्टम है रोड्स का। पर भाई अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि साउथ अफ्रीका में राइट हैंड स्टीयरिंग है या फिर लेफ्ट हैंड है। तो देखते हैं यार, रुको एक सेकंड बिच। नहीं यार, एक तो इंग्लिश इतनी बेकार है, मैं अनपढ़ सा आदमी हूँ भाई। विच कंट्रीज हैव राइट हैंड ड्राइव? अब इसमें क्या लिखा है भाई, द नेशंस ऑफ इंडिया, जापान, साइप्रस, साउथ अफ्रीका एंड माल्टा ऑल हैव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइट साइडेड स्टीयरिंग व्हीकल एंड लेफ्ट साइड ड्राइविंग। अरे वाह भाई वाह, एक सेकंड भाई इस पे टिक लगाते हैं। तो हमारी जो अगली कंडीशन थी, जो कि था कि गाड़ी में राइट हैंड स्टीयरिंग होना चाहिए, वो भी कंप्लाई हो रहा है। तो भाई साउथ अफ्रीका तो बहुत ही बढ़िया जगह है, वहां पे हमारी जो 3 कंडीशन है वो कंप्लाई हो गई है। जो गाड़ी है वो वहां पे मैन्युफैक्चर होती है, गाड़ी वहां पे राइट हैंड ड्राइव है, और साथ ही में जो एवरेस्ट है नई वाली वो भी लॉन्च हो चुकी है वहां पे। तो इसलिए भाई वेरी गुड वेरी गुड। अब दोस्तों जो हमारी अगली कंडीशन है बहुत ही मुश्किल है, जो हमारी सरकार है हम पे शक कर रही है, और जो कंडीशन है वो ये है, द व्हीकल मस्ट बी ब्रांड न्यू एंड शुड नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ बीइंग रेंटेड, यूज्ड और गिवन आउट ऑन लीज। मतलब जो गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू होनी चाहिए, उसकी फेक डिलीवरी नहीं होनी चाहिए कभी भी। बहुत तेज हो रहा है, एकदम ब्रांड न्यू होनी चाहिए गाड़ी। लेकिन भाई इसमें शक करने की जरूरत नहीं है, हम एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी लेंगे डायरेक्टली फोर्ड की फैक्ट्री से, एकदम ताजा ताजा माल लेंगे फोर्ड की फैक्ट्री से और डायरेक्टली इंडिया में लाएंगे, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाएंगे उस गाड़ी को अफ्रीका में। तो भाई जो हमारी अगली कंडीशन है ये भी हमारी फॉलो होती है, तो इसके आगे लगा देते हैं प्लस। फिर दोस्तों हमारी अगली कंडीशन है, इन केस ऑफ इंपोर्टेड कार्स इट कैन एंटर लीगली थ्रू वन ऑफ द 3 नेवल डॉक्स, दैट इज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अरे इसकी भी क्या टेंशन है भाई, जहां से कहोगे वहां से ले आएंगे, हवा से कहोगे वहां से ले आएंगे, टेंशन कोई नहीं है। इस पे भाई डायरेक्टली प्लस लगाता हूं, ये तो सोचने की भी बात नहीं है भाई। तो अब हमारी सरकार की अगली कंडीशन है, द स्पीडोमीटर ऑफ योर कार और बाइक शुड डिस्प्ले द स्टैटिक इन किलोमीटर पर आवर। मतलब जो उसका स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, माइल्स पर आवर पे नहीं हो सकता। और मुझे पता नहीं कि साउथ अफ्रीका में किलोमीटर पर आवर चलता है या माइल्स पर आवर चलता है, तो सर्च करता हूँ भाई, डस साउथ अफ्रीका, नहीं क्या है, ड्राइव ऑन द लेफ्ट, नहीं यार, द साउथ अफ्रीका हैव स्पीडोमीटर्स एस किलोमीटर पर। तो भाई ये लिस्ट है उन सारी कंट्रीज की जिसमें माइल्स पर आर वाला स्पीडोमीटर है, और इसमें देखते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका है या फिर नहीं है। तो
है म्यांमार, लीबिया, गुआम, सेंट बरबूदा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, एंटीगुआ, बहामास, पोर्टो रिको, यूएस। अरे नहीं है भाई, है? तो भाई जो हमारा साउथ अफ्रीका है उसमें किलोमीटर पर आर वाला स्पीडोमीटर है, उसमें माइल्स पर आर वाला नहीं है, तो ये भी भाई बहुत ही बढ़िया हो गया। तो ये जो हमारी येवली कंडीशन है इसके आगे भी भाई मैं टिक लगा देता हूँ, जो हमारी येवली कंडीशन है वो भी हमारी फुलफिल हो चुकी है। भाई साउथ अफ्रीका तो भाई बहुत ही मस्त जगह निकली भाई, सब कुछ है भाई वहाँ पे। फिर दोस्तों हमारी अगली कंडीशन है, द हेडलाइट्स ऑन योर व्हीकल मस्ट बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट प्रॉपरली इल्यूमिनेट्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। अरे इसकी टेंशन नहीं है, दोनों साइड इल्यूमिनेट करेगी और बढ़िया बढ़िया लाइट है भाई गाड़ी में, वो भी मैट्रिक्स लाइट्स है, हम एकदम टॉप एंड स्पेक लेंगे। तो येवली हमारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। और जो हमारी लास्ट कंडीशन है जो कि मैंने बनाई है, रिप्लेस्ड एवरेस्ट बैज विद एंडेवर बैज, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो साउथ अफ्रीका में एंडेवर को एवरेस्ट बोलते हैं और वहां पे जो गाड़ी है वहां पे उसमें हर जगह बैज पे एवरेस्ट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हमें चाहिए एंडेवर, तो इसलिए भाई हमें एंडेवर के बैज खरीदने पड़ेंगे। देखता हूं भाई, फोर्ड एंडेवर बैज ये है तो सही भाई, कार मैट्रिक्स एंडेवर 3D लेटर्स स्टिकर्स ये मिल जाएगा भाई हमें। वारे वाह, ये भाई 400-500 रुपए का खर्चा है, ये ले लेंगे और इसके बाद जो हमारी गाड़ी है वो एवरेस्ट की जगह एंडेवर बन जाएगी। तो चलो भाई ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये भी हमारी सॉल्व होती है। तो दोस्तों अब जो कार्स में इम्पोर्ट ड्यूटीज है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मतलब देख लिया कितनी होती है कौन सी गाड़ी पे, और जो इंडिया पे इम्पोर्ट ड्यूटीज है कुछ ज्यादा ही हाई है, जो कि 60-100% के बीच में है नई कार्स के लिए, जिसमें अगर आपकी गाड़ी का प्राइस $4,000 से कम का है तो जो गाड़ी है उस 60% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो भाई पहले मुझे सरकार से पूछना है भाई कौन सी गाड़ी है $4,000 से कम की जो एंडेवर है उसके पहिए नहीं आते भाई $4,000 के। तो हमें अपनी गाड़ी पे 100% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो एंडेवर है उसका प्राइस क्या है। तो भाई अब सर्च करते हैं 2022 फोर्ड एवरेस्ट साउथ अफ्रीका प्राइस, ये मैंने सर्च किया था पहले, तो जिसका टॉप एंड स्पेक है उसका प्राइस है 6,38,000 जो भी उनकी करेंसी है उसका नाम। तो भाई 638 तो मान लो 7 लाख रुपए मोटा मोटा हम लगाते हैं, हमारी गाड़ी का प्राइस है वहां पे तो 7 लाख, तो हमारी गाड़ी बनती है इंडिया में 35 लाख रुपए की और इस पे 100% की ड्यूटी लगने वाली है, तो 35 लाख और मिला लो तो 70 लाख रुपए हमारी गाड़ी की ड्यूटी बन गई। तो 70 लाख रुपए की जो गाड़ी है हमारी इंडिया के जो शोर्स है वहां तक आ जाएगी और उसके बाद उसके एक्स्ट्रा खर्चे है फिर। तो इसके बाद जो खर्चे है मेनली इंश्योरेंस के है, जिस शिप पे हमारी गाड़ी आई है उसको पेमेंट देने के है और साथ ही में इंडिया में रजिस्ट्रेशन वगैरह की है। तो इसके अगर आप मोटा मोटा मान ले तो 25-30% के आसपास है उस 70 लाख के प्राइस पे, तो अगर आप उसका 30% ले 70 लाख का तो बनता है 21 लाख रुपए। तो टोटल में अगर आप देखें तो हमारी गाड़ी इंडिया में बनने वाली है 90 लाख रुपए की, फोर्ड एंडेवर इंडिया में आके 90 लाख रुपए की पड़ने वाली है और साथ ही में हमें 500 रुपए खर्चने पड़ेंगे उसके बैजेस को चेंज कराने के लिए, तो 90 लाख 500 रुपए की हमारी गाड़ी पड़ने वाली है। तो इतने में अगर हम चाहते हैं तो इंडिया में Q7 ले सकते हैं, हम रेंज रोवर विलार ले सकते हैं, लेकिन हमने ली इम्पोर्ट करा के इंडिया में एक फोर्ड एंडेवर नई वाली, ताकि हम फॉर्च्यूनर को दिखा पाए कि जो नई वाली फोर्ड एंडेवर है उससे ज्यादा बढ़िया गाड़ी है। और आज की वीडियो में यही था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपको शायद ही पूरे YouTube पे ऐसे कई और वीडियो मिले।